नीतीश कुमार में पीएम बनने के सारे गुण हैं। 5-5 बार कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री बने हैं। समाजवादी विचारधारा के लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री बने। इंडिया गठबंधन में सब कुछ तय हो चुका है और सब यही चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री बने। आखिर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने इंडिया गठबंधन के सब लोग चाहते हैं, लेकिन 3-3 बैठकों के बाद भी नीतीश कुमार को संयोजक तो इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बनाया ही नहीं, तो फिर कैसे नीतीश के अगल बगल या जदयू के तमाम नेता कहते हैं कि नीतीश को ही प्रधानमंत्री बनना है? क्या नीतीश कुमार अपने से नहीं कहके अपने लोगों से, अपने करीबियों से इंडिया के उन नेताओं को संदेश पहुंचाना चाहते हैं, संदेश भेज रहे हैं कि मैं ही प्रधानमंत्री के काबिल? पिछले दिनों सीताराम येचुरी ने भी कहा कि नीतीश कुमार को कुर्सी का लालच नहीं, तो फिर नीतीश कुमार के नेता ऐसा क्यों कहते हैं कि सब कुछ तय हो चुका है इंडिया गठबंधन में कि नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री बनेंगे? वक्त आने दीजिए, खुलासा हो जाएगा। पहले ललन सिंह भी कहते रहे, जदयू के तमाम लोग कहते रहे इन्हें नीतीश कुमार, अब संयोजक की बात जो है वो दब गई, लेकिन अब सीधे प्रधानमंत्री की बात आ रही है। जदयू के नेता अब सीधे बात करने लगे हैं कि हमारे जो नीतीश कुमार हैं वो प्रधानमंत्री बनेंगे। आखिर ऐसा क्यों? राजनीतिक गलियारों में छनछन के जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से नीतीश कुमार ये जानबूझकर कहलवा रहे हैं, और इस बार तो जदयू के नेता और बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष जो हैं महेश्वर हजारी, उन्होंने ये बात कही है कि समय आने दीजिए, नीतीश के नाम की ही घोषणा होगी। और उधर परसों जब मैंने इंटरव्यू लिया सीताराम येचुरी से, तो सीताराम येचुरी ने कहा कि नीतीश कुमार को कहीं भी कुर्सी का लालच नहीं है, खुद ही मना कर चुके हैं। तो फिर आखिर नीतीश कुमार अपने नेताओं से कहलवा क्यों रहे हैं? क्या इंडिया गठबंधन के उन नेताओं पर दबाव बनाना चाहते हैं कि आप मेरे नाम की घोषणा जल्द कर दीजिए संयोजक के रूप में, चुनाव के बाद तो मैं बन ही जाऊंगा? या फिर अमित शाह जब बिहार आए थे पिछले दिनों, तो जो कह के गए कि नीतीश जी आदमी बड़े अच्छे हैं लेकिन जहर का घूंट पीकर रह रहे हैं, वहां उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। नीतीश कुमार ने महिला आरक्षण बिल पर खुलेआम समर्थन दे दिया, लेकिन नरेंद्र सिंह से कहवा दिया कि इस आरक्षण में भी आरक्षण चाहिए। अब नीतीश को समझना इतना अभी आसान नहीं है कि आखिर वो चाहते क्या है। शायद तराजू पर वो अपना बैलेंस इस तरीके से बना के रखना चाहते हैं कि यदि इंडिया में कहीं गड़बड़ हुई तो एनडीए के दरवाजे भी वो खुले रखना चाहते हैं, और भाजपा भी यही चाहती है कि नीतीश कुमार हमारे साथ आ जाएं, क्योंकि नीतीश कुमार जैसा विश्वसनीय साथी भाजपा को नहीं मिलने वाला। ये भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तो समझता है कि बिहार में नीतीश कुमार उसके लिए क्या मायने रखते हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि महेश्वर हजारी जो कहते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले चुनाव में, या इंडिया गठबंधन की जो चौथी बैठक होगी, तमाम नेता जब बैठेंगे तो क्या इस मुद्दे पर भी बात होगी। इस पर भी हमारी नजर रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ।